दोस्तों नमस्कार, एक और प्रसिद्ध वीडियो लेकर आया हूँ मैं। अभी आ चुका हूँ जैसलमेर के कुलधारा गांव में। कुलधारा गांव सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में फेमस है। किस लिए कि इसको एक भूतिया गांव कहा जाता है और ये हॉन्टेड प्लेस है। ये भारत का सबसे ज़्यादा खतरनाक हॉन्टेड प्लेस गाँव है और उसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है आपका जो है ना भानगढ़ का किला। तो ये गांव की हिस्ट्री इतिहास जो भी है मैं इसके बारे में बताऊंगा। और ये 84 गांव थे जो अभी नष्ट हो गए हैं। तो चलो आइए चलते हैं मेरे साथ, आपको दिखाते हैं कुलधारा गांव। देखिए इस घर, ये देखिए घर जो वीरान पड़ा हुआ है। इस तरह के पत्थर होते थे, इस तरह के पत्थर से घर बनाया जाता था। ये जो आप देख रहे हैं ये गांव की गलियां है, ये पतली गलियां उस समय की। तो इस तरह की गलियां हुआ करती थी, 200 वर्ष पुरानी बात है ये। ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 200 वर्ष पहले। कुलधारा गांव में 200 वर्ष पहले पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। पालीवाल ब्राह्मण जो मुख्य रूप से खेती, मवेशी एवं बहुत मेहनती भी थे और वो एवं अमीर भी थे। और ये पालीवाल ब्राह्मण कुलधारा के कई किलोमीटर में 84 गांव में फैले हुए थे। तो 84 गांव में लगभग 600 घर थे। तो जैसलमेर में उस समय राजशाही शासन हुआ करता था। राजशाही शासन में एक दीवान था, उस दीवान का नाम था सालम सिंह। तो सालम सिंह का जो काम था वो लगान वसूली वगैरह वगैरह काम था। तो इधर उधर उनको जाना पड़ता था सालम सिंह को। तो एक दिन वो कुलधारा पहुँच गए। पहुँचने के बाद जो वहाँ पे एक पंडित जी थे जो मंदिरों में पूजा करते थे मंदिर में, तो पंडित जी की लड़की को उन्होंने देख लिया और बहुत ही खूबसूरत थी उन पंडित जी की लड़की। तो सालम सिंह का नियत ख़राब हो गया इस लड़की को देखने के बाद। फिर वो कई बार इस गांव में चक्कर लगाए, 2-3 बार। उसके बाद सालम सिंह ने अपने दूत से खबर भिजवाया कि उस पंडित जी की लड़की को पूर्णमासी की रात तक मेरे हवाले कर दे, वरना अगले दिन सुबह आके पूरे गांव को नष्ट कर देंगे, तबाह कर देंगे। ये बात सुनकर गांव वाले भयभीत, पंडित जी भी भयभीत। और तो पूर्णमासी की रात को एक पंचायत बैठी, इसमें 84 गांव के लोग, 600 घरों के लोग उस पंचायत में आए। और उस ज़माने में ऐसा नहीं था कि आज के ज़माने में जो आप देखते हैं, आज के दौर में लोग अपने लिए जीते हैं, लेकिन उस ज़माने में ऐसा नहीं था। लोग उस ज़माने में एक दूसरे के लिए जीते थे। तो पंचायत में सर्वसम्मति से एक ही फैसला लिया गया कि हमें अपनी इज्जत प्यारी है, हम अपनी बहू बेटियों को सालम सिंह के हवाले नहीं करेंगे। आज हम हवाले कर देते, कल को फिर किसी और की बेटी को हवाले करना पड़ेगा। तो उन्होंने सर्वसम्मति से यही फैसला लिया कि रातों रात हम गाँव खाली कर देंगे और समय नहीं लेंगे गांव खाली करने के लिए। यानी कि एक दो दिन बाद, आज ही रखी बात लीक ना हो जाए। तो रातों रात गांव उन्होंने क्या किया, बोला कि जो जो जिनका जो जो कीमती सामान है वो ले ले और बाकी सामान छोड़ दे, ढोने की आवश्यकता नहीं है। तो रुपये, पैसे, गहने, जेवर, हीरे, जवाहरात जो भी सोने चांदी थे ये लेके रातों रात गाँव खाली कर दिया उन लोगों ने। सालम सिंह जब सुबह पहुँचा तो देखे हक्का बक्का रह गया कि इस गाँव में तो कोई नहीं है। घरों में के अंदर गया तो देखा तो रात की जो राख है वो अभी भी गर्म है, क्योंकि रात को खाना बना था। लेकिन कपड़े पड़े हुए हैं और कुछ बर्तन पड़े हुए हैं, चूल्हा वगैरह सब कुछ देखा, लेकिन जो कीमती सामान और नहीं है। और एक चीज़ जो वहाँ पर नहीं है वो है इंसान, एक भी इंसान उस गांव में नहीं है। कहा जाता है कि बहुत से लोग इस गांव में बसने के लिए आए थे लेकिन वो रातों रात गायब हो गए।
क्योंकि जो पालीवाल ब्राह्मण पूर्णिमासी के रात जब इस गांव को छोड़ के गए थे तो जाने से पहले वो इस गांव को श्राप दे के गए थे कि इस गांव में दोबारा कभी इंसानी नहीं बच सकते, अगर कोई बसने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तब से लेकर ये गांव शापित गांव है। पालीवाल ब्राह्मण चारों तरफ चले गए थे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, लेकिन आज तक उनका पता नहीं चला वो गए तो गए कहाँ। वीडियो में आगे बने रहिएगा क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है इस वीडियो में देखने के लिए। हाँ, मैं एक एक चीज़ बताओ, मैं भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करता, ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। ये काफ़ी बड़ा घर है, ये जो आप घर देख रहे हैं काफ़ी बड़ा घर है, तो छोटे बड़े हर प्रकार के यहाँ पे घर मिलेंगे आपको। तो इस घर में देखिए पूरा का पूरा अंधेरा है यहाँ पे, यहाँ खिड़की ये देखिए, खिड़की से जो है ना गांव के दूसरे घर आराम से दिखाई देते हैं। तो ये एक और अंदर जाओ, घर डरावना साइड में देखने जाओ। अरे बाप रे, यहाँ पे तो एक गुफा भी है, गुफा है। मुझे लग रहा है ये बाहर जाने का रास्ता था उस जमाने में, लेकिन भाई साहब काफी खतरनाक है। वो बाप रे, कितना बड़ा होगा, तो अंदर नीचे चले जाएंगे, पीछे आ जा। तो गुफा टॉर्च ऑन करके देखो ना यार, टॉर्च करके दिखाना, टॉर्च करके दिखाना। रास्ता है, रास्ता है, इधर से जाओगे वीडियो बनाने? नहीं, रास्ता यार एक कमरे में आया है इस मकान के, और ये दीवारों पे देखिए लोग यहाँ पे आ गए के अपनी अपनी प्रेम कथाएं, प्रेम कहानियाँ लिख के गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, जो हमारे टूरिज्म स्पॉट होते हैं उनको कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। तो जगह जगह पे आप विश्राम भी कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरह की आपको जो है ना देखने को मिल जाएगी, आप यहाँ पे बैठ के आराम भी कर सकते हैं। और ये जो है ये गांव का मेन रोड है, गांव के अंदर का मेन रोड है, तो इसी रोड से जो है ना गांव के लोग जो है ना आना जाना करते हैं। फिर जो बाहर का जो मेन रोड है, यहाँ से पूरा का पूरा कनेक्टिविटी है बाहर वाले मेन रोड से। ये गांव काफ़ी बड़ा है, एक गांव नहीं है ये, मैं आपको बता दूं यहाँ पे 84 गांव थे। स्टेयर्स बना रहे वो, अबे स्मारक। तो इस तरह से जगह जगह पे पत्थर का डस्टबिन बना रखा है राजस्थान टूरिज्म में, ताकि यहाँ कोई गंदगी ना फैलाए और कोई भी चीज़ यूज़ करता है तो इसके अंदर डाल दें। ये घर काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे कोई अमीर व्यक्ति का घर हो सकता है ये, तो ये घर काफ़ी बड़ा है। तो इस घर को राजस्थान टूरिज्म द्वारा मेंटेनेंस किया गया है ताकि टूरिज्म की दृष्टि से काफ़ी अच्छा हो। इसमें से इस कमरे में देखिए देखिए देखिए, जो गांव वगैरह में जो है ना, जो हम लोग जैसे कि कुछ सामान रखने के लिए, छोटे छोटे आइटम रखने के लिए गांव में हम जब दीवारों में इस तरह की बनाते हैं ना, तो यहाँ पर भी है। और जैसे कि मिट्टी के तेल की डिब्बी बनाने की, मिट्टी के तेल की डिब्बी वगैरह रखते हैं यार, और भी छोटे छोटे सामान रखते हैं, बिल्कुल इन दीवारों पर भी ऐसे ही बना हुआ है। दीवारें काफ़ी मजबूत है, और तो हिला ही नहीं पा रहा मैं। हाँ दिखा दिया, कौन था लाइन पे? सारे थे। क्या कह रहे थे? तो कैसा लगा आपको ये गांव? ये गांव काफ़ी डरावना है, और मैंने बुजुर्ग लोगों से भी सुना है, और क्या बोलते हैं नेट पे भी देखा हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा ही कुछ। तो आप कैसा लगा आपको ये गांव? देखिए, गांव के बारे में जैसा मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, देखता आ रहा हूँ टीवी से, फिल्मों से, या इंटरनेट से, या आसपास के लोगों से,
तो काफ़ी ख़तरनाक सुनने में आया था कि हाँ काफ़ी डरावना है, लेकिन यहाँ आके देखा तो सही में बहुत ज़्यादा ही डरावना है ये गांव। और इसका आप यहाँ पे आओगे तो आपको महसूस होगा कि यहाँ कुछ तो है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं या ऐसी कोई ताकत है जो यहाँ पे, रूहानी ताकत का एहसास होता है। हाँ, रूहानी ताकतों का कुछ एहसास होता है। और यह जगह काफ़ी अब तो काफ़ी सुनसान और बियाबान सी हो गई है, और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपको टूटी फूटी सी नज़र आएंगी। मगर जैसा मैंने अपने आसपास के लोगों से सुना था कि ये डरावना है, मैं उन पर यकीन नहीं किया करता था। मैं सोचता था कि नहीं, ये सिर्फ अफवाह बना के उड़ा रहे बता रहे हैं। लेकिन जब मैं यहाँ के देखा तो मुझे ये पता लगा कि सही में यहाँ कुछ ना कुछ तो चीज़ है। जो 200 वर्ष से गांव वीरान पड़ा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो है ना खंडित हो गई है। हाँ जी, हाँ, किया नहीं गया। हाँ, तो 200 वर्ष से मैंने काफ़ी देखा, मतलब 200 वर्ष से मुझे लोगों ने बताया, जो इंटरनेट मैंने देखा कि हाँ इसकी खाली छत ही छत गायब हो गई हैं, दीवारें अभी भी मौजूद है जो इसका पूरा प्रमाण देती हैं कि यहाँ पे जो घर या मकान जो रहा करता होगा, या काफ़ी छोटे छोटे मकान हैं यहाँ देखने के लिए, और काफ़ी जिनकी छतें उड़ गई हैं और मतलब खाली दीवारें बची हुई हैं, इससे प्रमाण होता है कि यहाँ पे पहले कुछ ना कुछ रहा होगा। कुलधारा गांव में आने के लिए आपको जो जैसलमेर सबसे पहले आना पड़ेगा। जैसलमेर आने के बाद अगर आपके पास निजी वाहन है तो निजी वाहन से भी आप आ सकते हैं, बाइक या स्कूटी आप रेंट करके भी यहाँ कुलधारा गांव आ सकते हैं, और नहीं तो आप ऑटो करके भी आ सकते हैं। हमने यहाँ पर ऑटो किया है आने और जाने का, 500 रुपये में हमें ऑटो पड़ा, और अगर ऑटो आप अंदर लाते हैं तो 50 रुपये की उसमें पार्किंग देनी पड़ेगी। और इसका जो आपको बताओ कुलधारा गांव की जो एंट्री फीस है, ये जो कुलधारा गांव है राजस्थान टूरिज्म के अंडर में आता है, तो इसके अंदर आने के लिए आपको 20 रुपये का जो है ना टिकट लेना पड़ेगा। तो 20 रुपये की टिकट मैंने ले ली है। इसी बड़े वाले घर के छत पे हम आ गए हैं, तो इस छत से व्यू पॉइंट बहुत ही दिखाई देता है, नज़ारे बहुत है, काफ़ी अच्छा है छत के ऊपर से। तो ये सामने मंदिर, इस मंदिर पर हम लग चलेंगे। यही वो मंदिर है जो पूरा पुजारी जी इसी मंदिर में पूजा करते थे। हम आपको वहाँ भी ले चलेंगे। हाँ, तो ये देखिए ये घर है, इसमें देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरा का पूरा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा घर है। तो वहाँ से एंट्री गेट है, फिर उसके बाद इधर से एक और एंट्री गेट है इस कमरे के लिए, इस घर के लिए, फिर यहाँ पे कमरे बने हुए देखिए 1 2 3, और उधर भी है देखिए यहाँ पे एंट्री गेट फिर एंट्री गेट। जैसा मैंने सुना था मित्रों, उससे कई गुना ज़्यादा जो है ना ये गांव डरावना है, और यहाँ आके मैंने फील किया है यहाँ पर। तो जैसलमेर के कुलधारा गांव में क्या, जैसलमेर पूरे में गर्मी बहुत है, तो यहाँ पे आने का जो बेस्ट सीज़न है वगैरह वो होता है अक्टूबर से लेकर मार्च तक। तो देखिए पतली गली, एक और गली में आ गए हम, ये पतली सी गली हम आपको ले चलते हैं। मैं इस समय अकेला हूँ, मेरे साथ कुछ टूरिस्ट थे लेकिन वो उधर चले गए, और मेरे आसपास अभी कुछ नहीं है, तो थोड़ा अजीब सा फील कर पा रहा हूँ मैं। अब ये मेरा मन का बहम है, ये क्या है मैं कुछ कह नहीं सकता। तो कुलधारा गांव के बीचों बीच एक स्टॉप स्टोरी पर आए हैं, यहाँ से जो है ना चारों तरफ आप गांव के नज़ारे को देख सकते हैं।
मरूं गया। मित्रों मेरे पीछे आप जो देख सकते हैं यही वो मंदिर है जहाँ पर पुजारी जी पूजा करते थे, कि लड़की पूजा में हाथ बटाती थी, तो यही वो मंदिर है। मंदिर में आप यहाँ से प्रवेश कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मंदिर के बारे में कुछ जानकारियाँ, कुछ मंदिर के बारे में मैंने यहाँ के जो गार्ड साहब थे उनसे पूछा, तो उनका कहना है ये मंदिर में कोई पूजा नहीं करता। तो गार्ड साहब कहे उन्होंने दो फोटो लगा रखे शिव पार्वती जी की, तो गार्ड साहब कभी कभी वो अगरबत्ती या दिया जला देते हैं, लेकिन शाम 5 बजे के बाद यहाँ पे कोई नहीं रहता, 5 बजे के बाद सब चले जाते हैं, गार्ड साहब भी चले जाते हैं। एक और घर है, आइए प्रवेश करते हैं अंदर। तो दरवाजे की आवाज़ें देखिए, काफ़ी डरावने आवाज़ें हैं, जैसे कि हॉन्टेड मूवी वगैरह में होती है। तो वीरान पड़ा हुआ ये घर। कुछ नहीं है, काफ़ी डर सा लग रहा है, मैं यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ। तो मित्रों ये था कुलदारा ब्लॉग गांव का ब्लॉग। तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कभी कभी इन दीवारों को देखता हूँ, इन घरों को देखता हूँ, तो थोड़ी देर के लिए इमोशन हो जाता हूँ, और इमोशन भी है भय भी है, और क्योंकि आपको पता ही है ये भूतिया गांव है, तो डर तो थोड़ा थोड़ा डर तो फील होता ही है अंदर से। तो कई बार मैं थोड़ा सा भयभीत सा हुआ हूँ जब मैं अकेला हो गया था, मेरे आसपास कोई टूरिस्ट लोग नहीं थे, कहीं ना कहीं फील किया मैंने। तो इसी के साथ इन घरों से, इन दीवारों से, और इस वीडियो को मैं ही पे समाप्त करने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। आप मुझे कुछ बताना चाहते, सजेशन वगैरह देना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।